अधिकारियों का दुव्यापार निवारण संरक्षण और पुनर्वास विधेयक 2018 पर चर्चा में भाग लेने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपनी पार्टी जनता दल यू के तरफ से बोलने के लिए समर्थन में खड़ा हुआ हूं। सभापति महोदय, वर्तमान में इस अपराध को रोकने के लिए कई कानून का सहारा लेना पड़ता है और वह भी पूर्ण रूपेण सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। अतः सरकार इस प्रस्ताव के द्वारा कानून को कठोर बनाया जा रहा है, जिससे देश के अंदर और बाहर दोनों स्थिति में मानव तस्करी, अनैतिक व्यापार, शारीरिक शोषण को रोका जा सके। अभी हाल ही में 46 बच्चे का अनैतिक तरीके से बेचने का समाचार मदर ट्रेसा संस्थान के एक कर्मचारी द्वारा प्रकाश में आया। कुछ दिन पहले करीब 50 से अधिक बच्चे मुगलसराय स्टेशन पर छुड़ाए गए। देश के अंदर यह आम बात हो गई है, उसी प्रकार विदेशों में भेजने के नाम पर ठगी और तस्करी हो रहा है। यह एक संगठित ग्रुप जो कि विशेषकर मुंबई, दिल्ली, पंजाब में यह ग्रुप सक्रिय है, उसी तरीके से कबूतरबाजी के भी समाचार आते रहते हैं। अतः कानून बनाने से व्यक्ति के दुर्व्यापार पर लगाम लगेगी, साथ ही पीड़िता की देख रेख और पुनर्वास भी संभव होगा। इससे पीड़िता के लिए सामान्य आर्थिक और सामाजिक वातावरण के साथ साथ राहत एवं पीड़ितों के कल्याण के प्रावधान है। विदेशों में अपराध होने पर भी कानून सक्षम रूप से कार्य कर सकता है। कठोर दंड के साथ जल्द से जल्द मामले का निपटारा भी संभव होगा। गोपनीयता का भी प्रावधान है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संगठित साठगांठ को तोड़ने में भी कानूनी प्रभावी कार्य करेगा। उपाध्यक्ष सभापति महोदय, यह देखा जा रहा है कि स्थानीय स्तर पर मानव तस्करी के मामले दलालों के मुख्य भूमिका होती है। अतः मेरा सुझाव है कि एक निगरानी तंत्र बनाया जाए जो उन दलालों पर नज़र रखे और विशेषकर दलालों को कठोरतम दंड दिया जाए। मैं इस बिल का समर्थन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। शताब्दी रॉय।